आज हम इस वीडियो में फाइंड ऑप्शन का एडवांस यूज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारे पास एक पैराग्राफ है, मतलब कुछ पैराग्राफ्स हैं जिसमें मैंने कुछ ऐड किया हुआ है। मैंने अपना नाम पैराग्राफ में काफ़ी जगह पर ऐड कर रखा है। जहाँ जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फॉर्मेटिंग करूँ। मैं सभी नाम पर बोल्ड, इटैलिक और एक कलर कर लेता हूँ। बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया और एक कलर कर लिया। ये तीन काम मैं सभी जगह करना चाहता हूँ जहाँ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल तरीके से करूँगा तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा अपना नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसको बोल्ड, इटैलिक और नाम चेंज करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे फाइंड का। फाइंड ऑप्शन से मैं अपना नाम लिखूँगा यहाँ पे, शिव सागर। अब मैं अपना नाम फाइंड करूँगा। अब मैं फाइंड कर सकता हूँ, एक एक नाम आ रहा है और उन सभी पे सेलेक्ट होके आ रहा है। तो मैं सेलेक्टेड नाम को बोल्ड, इटैलिक और कलर कर सकता हूँ। ये काम भी थोड़ा हार्ड पड़ेगा क्योंकि मुझे हर एक नाम में अलग अलग सेलेक्ट करके बार बार उसमें बोल्ड, इटैलिक और कलर करना पड़ेगा, पर मैं इस काम को ईजी बना सकता हूँ फाइंड इन ऑप्शन के द्वारा। अब फाइंड इन से अगर मैं मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सारे के सारे नाम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं अगर बोल्ड, इटैलिक और कलर करूँगा तो वो सभी के सभी नाम में अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं इजीली जहाँ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे सभी जगह मैं इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन। ये फाइंड ऑप्शन का एक एडवांस यूज है जो काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।